हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 2018 में CBSE बोर्ड के द्वारा पूछा गया था फॉर क्लास 10th। हम इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइन ले लेते हैं, यानी कि LHS। हम इसे RHS से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम LHS लेके करेंगे। 1/sec θ − 10θ। हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, sec θ + 10θ हो जाएगा। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो यहाँ पर जो भी सिंबल रहता है वह चेंज हो जाता है, यानी कि प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाता है, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है। अपॉन sec θ + 10θ। जब हम sec θ + 10θ का 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें मिलेगा sec θ + 10θ अपॉन, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला जानते हैं, a² - b² इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी a - b और a + b के फॉर्म में है, तो हम लिख सकते हैं sec θ² - 10θ². यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी जो होती है जिसमें 10θ² + 1 इज इक्वल टू sec θ होता है, sec²θ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू sec θ² - 10θ². हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी sec²- 10θ² है, इसीलिए हाँ यहाँ पे हम लिखेंगे sec θ + 10θ अपॉन। हम इसके जगह पे 1 लिखेंगे क्योंकि sec θ² - 10θ² इज इक्वल टू 1 होता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं sec θ + 10θ। हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड कि यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी यहाँ पे क्वेश्चन में sec θ + 10θ, और हमें भी आंसर sec θ + 10θ मिला है, यानी कि हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू RHS। हेंस हमारा क्वेश्चन जो था वो प्रूफ हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस।